हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रणव पीजी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये चेयर मैंने लिया है iCareFurnitures.com से। सो गाइस, मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है। इनके पास काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये चेयर। है काफ़ी स्टाइलिश भी है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सो गाइस, अगर आपको लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट दी है, वहाँ आप जाके विजिट करो। काफ़ी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं एंड काफ़ी डिस्काउंट भी है इनके वेबसाइट में। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इस फोटो को एडिट कैसे करना है। मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड मुझे काफ़ी पसंद आया है पोस्ट, तो सोचा आपके लिए इसका वीडियो लाओ। इसका जो स्टॉक लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल राइट, सो गाइस, मैं सबसे पहले अपने फ़ोटो को ओपन करूँगा फोटोशॉप में। सो रहा है मेरा रॉ फोटो, इसको मैं ओपन विद फोटोशॉप। ओके, सो गाइस, ये मेरा फ़ोटो ओपन हो चुका है, ये रॉ इमेज है मेरा। सो आपको इसको 4:5 रेशो में क्रॉप करना है। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इसको क्रॉप करके रखा हुआ है, सो यहाँ पे रेशो आप सेट कर सकते हो। सो ये हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा 1। ठीक है, ये एक डुप्लीकेट लेयर हो गया। सो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है ना, इससे मैं थोड़े से अपने पिंपल्स रिमूव करूँगा, जहाँ जहाँ पे डार्क बड़े बड़े पिंपल्स जो है, तो ज़्यादा नहीं, इतने ठीक है। सो ये हो चुका है, मैंने स्पॉट हीलिंग कर लिया ब्रश। अभी क्या है, इसको क्लीन करना बचा है। सो सबसे पहले स्किन रिटच ही करने वाले हैं हम। सो फिर से डुप्लीकेट लेयर बनानी है। सो 1, 2, 3। सो गाइस, ये 3 लेयर बनाया मैंने एक्स्ट्रा के। और सो इसमें क्या करना है, अभी ये जो लेयर है सेकंड फर्स्ट वाली हाइट करना है, सेकंड वाली पे जाना है, यहाँ जाके फिल्टर में जाके उस लेयर को कर देना है ब्लर। सो मेरे पिक्चर्स काफ़ी हद तक पिक्चर ब्लर होने चाहिए। सो 4:5 में मेरा काफ़ी ब्लर हो चुका है एंड स्क्रीन भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, सो इतना ठीक है। एंड फर्स्ट अनहाइट कर देना है लेयर। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको जाना है अप्लाई इमेज में। इसमें जाके आपको जाना है सेकंड ऑप्शन में, जो लेयर अपन ने ब्लर किए थे उस पर जाके उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो इसको सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है सब्ट्रैक्ट को क्लिक। सो ये सेटिंग आप ध्यान रखना है 2128। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ओके, सो ये मेरी लेयर बन चुकी है जो फर्स्ट वाली है। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, इसमें जाके लीनियर लाइट करना है। सो ये ऐसा कुछ हो चुका है मेरा फोटो। सो अभी इसको मैं अनहाइट कर दूंगा। सो ये सेकंड वाला जो ब्लर पिक है उसमें मैं मिक्स ब्रश टूल यूज़ करके, आपको ये सेटिंग्स देख लेना है ऊपर की। सो अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्रश से स्किन स्मूथ करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और राइट, सो गाइस, मेरी स्किन स्मूथ हो चुकी है, आप देख सकते हो। पहले ऐसी थी, अभी ऐसी हो चुकी है। सो ये मैं सारी लेयर्स को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी स्किन स्मूथ हो चुकी है। अभी मैं फिर से एक न्यू लेयर बनाऊंगा। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर 1। ठीक है, अभी मैं इसमें थोड़ा अपना जो भी कैप्सूल्स है वो इसमें ऐड करूँगा। ये जो स्टॉक है वो सारा मैंने दे चुका है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ये सब। सो सबसे पहले मैं क्या ऐड करूँगा, सबसे पहले ऐड करते हैं स्नैपचैट को। सो ये मेरा स्नैपचैट का कैप्सूल है। सो इसकी पोजीशन आप सेट करना, मेरी यहाँ पे है। सो ठीक है, अभी क्या करूँगा, मैं इसका पेंट भी दे चुका हूँ मैं। सो इसको भी मैं नीचे उसके ऐड करूँगा। सो ये कैप्सूल है मेरे ऊपर की, इसको एंड इसके ये मेरा पेंट है, तो पेंट मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे करूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इसको मैं प्रॉपरली सेट कर दूँगा। तो इतना मेरे लिए ठीक है। तो अभी इसकी मैं ओपेसिटी कर दूँगा थोड़ी सी कम, नहीं ना ठीक है मेरे लिए। सो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मास्क हो जाएगा। सो ब्रश ब्लैक पेंट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करूँगा जहाँ जहाँ
मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ से मैं रिमूव करूँगा थोड़ा सा। ओके यहाँ से भी मैं रिमूव कर दूँगा, मैं मुझे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ, ठीक है, ऐसा रियल लगना चाहिए इसलिए मैं, ठीक है। स्नैपचैट मेरा ऐड हो चुका है सो ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाऊँगा मैं। ओके डन। तो सेकंड ऑप्शन में क्या करूँगा, सेकंड में मैं यूट्यूब को ऐड करूँगा। सो एक्चुअल में सीन ऐसा है कि यूट्यूब का जो है वो मैं नाक के अंदर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कहीं में मुझे मैच नहीं लगा था। सो ये काफ़ी वियर्ड भी लगता है पर कंसेप्ट के मामले में चलता है। सो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं और भी ऐड कर ले सकते हो, कहीं और मीन्स कहीं और मत कर लेना। सो ठीक है, सो वही सेम चीज़ करना है। पेंट कैप्सूल ऐड हो गई, बस पेंट करना है नीचे, हो गया। कैप्सूल आप अपने हिसाब से, आपकी फ़ोटो ऑफकोर्स अलग रहेगी सो अपने हिसाब से आप देखना, ठीक है। इसमें शेडोज़ में ऑलरेडी एडिट है सो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सो ठीक है, मेरा यहाँ पे इतना, यहाँ पे ठीक है। सो अभी पेंट को भी मैं फिक्स करूँगा प्रॉपर पोजिशन पे, ठीक है इतना। एंड मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, मैं इरेज़र लूँगा, ठीक है। इरेज़र लेने के बाद यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा। ओके सो ठीक है, और अभी इसकी भी मैं ओपेसिटी कम करूँगा, इसकी इतनी, ठीक है। थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करूँगा मैं, मुझे जैसा ठीक लग रहा है इतना, ठीक है। सो ये भी परफेक्ट। अभी ट्विटर ऐड करूँगा मैं, सो ट्विटर की रही है कैप्सूल, सो इसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा। सो वही सब वही स्टेप करना है आपको, ठीक है। एंड ट्विटर ये मैंने थोड़ा सा ब्लर करना है क्योंकि यहाँ पे एरिया थोड़ा सा ब्लर है मेरा फोकस से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ब्लर रखूँगा, 1.4 गॉशियन ब्लर, ठीक है। अभी इसमें भी मैं पेंट ऐड करूँगा, सेम स्टेप्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना कोई डिफ़िकल्ट है। सो ये वाला पेंट भी मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐड कर लूँगा। सो वही मेरा सब रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। सो बस मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ये काफ़ी इजी स्टेप्स है। सो इसकी इसको भी मैं रिमूव करूँगा काफ़ी जगहों से। सो देखते हैं। What we do here is go back. Twitter paint. ठीक है, अभी मैं इसकी ओपेसिटी भी कम करूँगा एज लाइक 44%, ठीक है। अभी मैं इसको भी बाहर जो चीज़ें है उसको रिमूव करूँगा एंड इसको भी ब्लर कर दूँगा। तो इसको थोड़ा ज़्यादा ब्लर करूँगा मैं, ठीक है, इतना मेरे लिए ठीक है। तो ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाना है मुझे और, ठीक है, इतना ठीक लग रहा है मुझे। सो ये भी हो चुका है। सो अभी इंस्टाग्राम बचा है। सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का, एक्चुअली ये मेडिसिन मैंने रियल रखी है क्योंकि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो रियल रहना चाहिए फिट में मेरे हिसाब से। एंड ये इंस्टाग्राम का जो एक्चुअल आइकॉन रहता है उसका पेंट है ये, तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मैंने ऐसे बना के रख दिया हूँ। सो इसको भी मैं ऐसी मेडिसिन के ऊपर ऐड करना है। सो ऐसी क्या करना है, इसमें आपको ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप वाइट के ऊपर ये चढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसको प्रॉपर सेट करना है इतना, ठीक है। अभी मास्क में जाना है, ठीक है। मास्क में आपको यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे ब्लैक लेना है, ऑलवेज अपोजिट। सो इतना ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा जो जो चीज़ें मेडिसिन कैप्सूल के बाहर जा रही है उसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ओके तो ये चीज़ भी हो चुकी है। सो इतना ठीक है, अभी इसका पेंट बचा है। तो
तो उसको भी मैं ऐड करूँगा। ये रहा इंस्टाग्राम का पेंट। ओके सो इसको भी मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी भी मैं कम करूँगा, ठीक है। इतना हो चुका है, अभी इरेजर से मैं इसको रिमूव कर दूंगा मेडिसिन से। ठीक है, मैं आपके आइडिया के लिए थोड़ा रफली एडिट कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा टाइम लेके करना। ठीक है, ये सब हो चुका है, तो मेरा पिक काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। सो मैं थोड़ा सा अभी इसमें एक चीज़ ऐड करना रह गया है। सो यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का लोगो आता है, ठीक है, उसको मैं ऐड करने वाला हूँ अभी। सो वेट। ओके सो मैं अभी लोगो ऐड कर दूंगा इसमें। सो ये रहा मेरा लोगो। ओके तो इसको मैं कंट्रोल प्लस टी सेपरेट ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दूंगा। तो इसको सबसे ऊपर रखूंगा मैं। एक्चुअली सीन ऐसा है कि ये इसमें दिख नहीं रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम वाइड भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से अच्छा लगे तो वाइट कर लेना, मैं वो भी बता देता हूँ इसको वाइट कैसा करना है। ठीक है, न्यू लेयर बनाना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये मेरा लोगो है, इसके ऊपर ये लेयर बनानी है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। ठीक है, अब इसको वाइट कलर में लेना है, वाइट कलर लेना है। वाइट कलर लेने के बाद ऐसा वाइट हो जाएगा ये। अपने खुद पे डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कहाँ सूट होती है। इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी कम कर दूँगा। ये देख सकते हो, ये काफ़ी हद तक अच्छी रेडी हो चुकी है फोटो। अभी थोड़ा सा कलर ग्रेड करूँगा मैं इस पर। न्यू लेयर बनाऊँगा, ठीक है। इमेज अप्लाई, इमेज इमेज अप्लाई, मर्ज नॉर्मल, ये सब सेटिंग आप देख रहे हैं। ओके फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। नाउ हम करेंगे इसको रिटच। फर्स्ट करेंगे हाईलाइट को कम, लाइक 59 माइनस इतना, ठीक है। और शेडोज को थोड़ा बढ़ाएंगे 56 तक। ओके इसको डार्क करूँगा मैं थोड़ा सा फोटो को, अभी थोड़ा सा मैं इसमें क्लियरिटी ऐड करूँगा। 35। ओके इतना मेरे लिए काफ़ी ठीक लग रहा है। अभी कहाँ जाना है, डिटेल्स में जाके आपको ये शार्प करना है, ये सब सेटिंग्स रहती है। अभी कलर मिक्सर में जाना है, कलर मिक्सर में जाके आप ये सब देख लो। सेचुरेशन में 17 माइनस 17, ठीक है। +23। अभी जाना है यहाँ पे। यहाँ जाके आपको कर देना है ब्लू को माइनस, ठीक है, -18। देन अभी थोड़ा सा सैचुरेशन इसमें थोड़ा सा बढ़ा देना है 3%। ये हो चुका है। अभी क्या
थोड़ा सा साइड साइड में ब्लैक इफेक्ट आता है वो ऐड करूँगा। सेवन तक कुछ -11, 61। सो ये रिटच हो चुकी है मेरी फोटो, देख सकते हो पहले से काफ़ी हद तक अच्छी है। सो इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिटेल ऐड करूँगा। सो एडजस्टमेंट ब्रश थोड़ा और क्लीन करूँगा स्किन। सो ये -3 रखना है, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना है। सो ये मैं थोड़ा स्किन पे चढ़ा दूंगा अपना ब्रश। सो थोड़ा सा और ब्राइट करूँगा, ठीक है, ओके। सो ये सब होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आईज को, जैसे कि मैंने बताया दिखाया फोटो में कि यहाँ पे लेंस एडिट है, सो यहाँ पे मेरे आइज़ के डिटेल्स अंदर की दिख रहे हैं काफ़ी, तो इसमें कुछ नहीं, ब्राइटनेस पे जाऊँगा मैं, ब्राइटनेस फुल कर दूँगा, ठीक है। अभी क्या दबाना है आप लोग, Ctrl+I क्लिक करना है। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा आप दबाओगे तो, Ctrl+I। सो इसमें क्या करना है, अभी वाइट ब्रश लेना है, ओपेसिटी 100। सो मैं देखो यहाँ पे पेंट करता हूँ तो अपने आप आइस पे ब्राइटनेस ऐड हो जाएगी। सो यही चीज़ आपको भी करनी है, काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। ओके, तो इसकी ओपेसिटी भी मैं कम कर दूंगा, 34, 35 से 37, ठीक है। सो इसको भी मर्ज कर दूंगा Ctrl+E दबा के, शॉर्टकट की। सो ये लूंगा डॉच टूल, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे। ओके सो गाइज, मैं ऐसी हाईलाइट्स जहाँ जाए वहाँ आपको ये डॉच टूल यूज़ करना है आपको। सो ठीक है इतना। सो गाइज यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हो चुकी है कि मैं यहाँ पे पेंट जो है काफ़ी नीचे चला गया है। सो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा इसमें। सो मैं क्या करूँगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूँगा एंड इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, तो ये रिमूव तो हो जाएगा बट आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ये चीज़। सो अभी क्या करूँगा, मैं फाइनल अपना लोगो ऐड कर दूँगा इसमें। सो लोगो ऐड कर दूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा लोगो भी ऐड हो चुका है, अभी क्या करूँगा मैं फोटो को डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। ओके। सो गाइज मेरी पिक हो चुकी है रेडी। ऑलराइट सो गाइज, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ क्रिएटिव करते रहो।